10 जून ले भाई वीजा FGV के चालू हो जाएगा कोलकाता ऑफिस में। तुम लोगों को फोन भी करता हो कोई कि वीजा चालू 10 तारीख हो जाएगा, तो वो सही बात है कि भाई वीजा 10 तारीख ले स्टार्ट होने वाला है। FGV के स्टार्ट तो हो जाएगा 10 तारीख ले। अब फेकरा के है जो चल रहा है, अभी रिटर्न आदमी मांग ही रहा है, अभी रिटर्न आदमी उतना हुआ नहीं कि इतना चाहिए। जहाँ से अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो तो भाई ट्राई करो, ऑफिस में फोन लगाओ, कहीं पूछो कहो तो बात ठीक है भाई। तो तुम लोग ट्राई रिटर्न वाला भाई तुम लोग ट्राई करो, कोलकाता ऑफिस में पूछो भाई फोन लगा लगा, कोलकाता में मांग है अभी ऐसा में, फेकरा में, फेकरा में अभी आदमी नहीं है भाई। जिस साइड में हम लोग भी हैं वहाँ साइड में आदमी नहीं है, 10 के बदले 4 लोग काम करते रहते हैं, तो इसके लिए वो आदमी इधर भी चाहिए उधर भी। हर जगह लॉकडाउन में सब लोग चले गए थे अपनी अपनी घर, अब देखो कितना आदमी आता है भाई। अब इंडिया से अब एक बार आया था 10-4 लोग, तो हम आया वापस तो लोग रबड़ बगान में लेके चला गया था 40 साल एज था, हम सोचा कि चलो आएंगे तो हंसते वीडियो बनाएंगे, देखा तो पहले ही गायब हो गया, उन लोग चला गया लो। तब उन लोग को वीडियो नहीं बना सकता, खाली वो फोटो खींचा था तो आप लोगों को दिखाया भी था कि वो लोग आया था, बेचारा लोग बैठा था, अभी गैस वैस कुछ नहीं मिला था। तो पहले पूछा भाई कि एज कितना है, एज तो भाई मायने रखता है ना पम्प बगान के लिए, ज़्यादा एज वाला अंक जल्दी नहीं रखता इसमें। चलो भाई देखते हैं अब कौन कौन लोग आते हैं, आएंगे तो आपको सब लोग बहुत मिलाने वाले हैं, लोग आएंगे तो दिखाएंगे आप लोग को। अभी तो हम लोग क्या करो, फल अभी ऐसे में गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है इसमें, यहाँ मलेशिया में गर्मी पड़ रहा है, बारिश अभी कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं बारिश हो रही है, आज होएगी शाम को होएगी तो कल नहीं होती, ऐसे ऐसे कह के एक दिन एक्सप्रेस हो रहा है। अभी बारिश हो रही से अभी कुछ उतना नहीं होती है, अभी गर्मी जितना इंडिया में पड़ रहा है यहाँ पे भी गर्मी पड़ रहा है वो उतना कम पड़ रहा है। बाकी शाम को ठंडी मौसम होता है कि चादर ओढ़ के सोना पड़ता है, मौसम शाम को बदल जाता है, बाकी दिन भर भाई गर्मी समय है, देखते बाहर कितना गर्मी, फेस भी गर्मी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं होता है, जून में गर्मी होता है, जून जुलाई में गर्मी होता है, 2-3 महीना गर्मी होता है यहाँ पे भी, 2 महीना तक गर्मी होएगा भाई, 2 महीने के बाद नहीं होएगा यहाँ पे भी। बक उतना गर्मी नहीं जितना तुम चाहते हो, कितना हम लोग इंडिया में गर्मी तो कपड़ा खोलना पड़ता है, उतना गर्मी यहाँ पे अभी नहीं है। अब देखो अगली महीना में गर्मी होता है कि इस महीना में गर्मी होता है कि नहीं होता है, बट हमको तो लगता है नॉर्मल गर्मी है, एकदम मीडियम साइज गर्मी है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पर ना ठंडी नहीं पड़ता है, पहला नंबर तो ठंडी वंडी कुछ नहीं कभी पड़ता है भाई, तुम लोग आओगे ना तो कहोगे कहाँ नहीं आगे स्वीटर कोई जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखते हैं आप, बस तुम लोग सोच के आना कि नहीं कि स्वीटर लेकर आएंगे कोट लेकर आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा इस बार भाई। देखना है अभी कितना लोग, अभी अभी तो जून वाला जो वीजा ख़त्म था FGV वाला वो लोग तो नहीं हुआ, बट इसके पहले जो वही लोग ना अप्लाई फिर दोबारा करेगा मेडिकल करा कर करेगा, तो इस महीना वाला जो 10 तारीख वीजा चालू हो रहा है उसमें सब लोग निकल जाएंगे, बट पहले वाला जो है तो उसमें नहीं निकलेगा। जो 29 जून का वीजा का डेट एक्सपायर है भाई वो लोग का तो आ जाओगे, जो 28 जून का था 18 जून का था वो लोग नहीं आ पाओगे, तो उम्मीद कम रखना, उम्मीद का ख़त्म ही कर देना, न्यू मेडिकल कराना वापस, फिर हो सके तो निकल जाए तो ठीक है। अब वीजा आने के बाद भाई मेडिकल डेट एक्सपायर हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, खाली वीजा लग जाना चाहिए आ जाना चाहिए बस, फिर यहाँ पर आ जाओगे तो तुमको फिर मेडिकल तो 10 दिन में होएगा ही वापस, वो कंपनी कराती थी ये, तो मत सोचो कि मेडिकल का मेरा डेट एक्सपायर हो गया वीजा नहीं है, वीजा आ गया है तो मेडिकल डेट एक्सपायर हो गया तो कोई मुश्किल नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, कुल चीज़ ठीक रहेगा, उससे पहले नहीं ख़त्म होना चाहिए, वीजा निकल गया तो ख़त्म हो गया तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी भाई कोशिश करो लोग, तुम लोग जाओ भाई कमाओ अच्छा खासा, निकलो पम्प बगान में पैसा तो कमाओ कम से कम ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय भाई। वीडियो पसंद है तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आएंगे जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा लेकर आएंगे रबड़ बगान के लिए, कुछ देखते हैं कुछ ले आते हैं।